इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ये प्लेटफॉर्म रियल या फेक इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन सपोर्ट करें। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो में देखें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बोला जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कुछ पैसे, जैसे कि बिटकॉइन, ETH, डॉगकॉइन, TRX, XRP या फिर LTC में। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो ये पहली बात रियल प्लेटफॉर्म नहीं, टोटल फेक प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे आप क्लिक करते होंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आता होगा बिल्कुल ट्रेडिंग ग्राफ जैसा ही आपको लगता होगा, लेकिन ये रियल है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पैसा अगर आप लगा भी देते हैं दोस्तों तो आप यकीन मानिए आपका पैसा जो है डूब जाएगा। कई लोगों ने यहाँ पर पुट एंड डाउन दोनों किया हुआ दोस्तों, ठीक है। सो अब इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका ऐप मोबाइल डिवाइस ये बोलेगा कि भैया ये जो है थोड़ा हार्मफुल है, इस तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड ना ही करें। ना ही दोस्तों ये एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं एप्पल स्टोर पे है, ना ही ये गूगल प्ले स्टोर पर है, ठीक है, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब इनकी सर्विस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप, ट्रेडिंग और मतलब टेलीग्राम वगैरह पर अवेलेबल है, ठीक है। सो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है या ऐप्स होते हैं दोस्तों, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करती है और लोगों को लगता है कि यार हम यहाँ पर अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे इनके लेवल भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि कुछ परसेंट के हिसाब से आपको ये पैसा देते हैं। सो प्लीज़ आप अवेयर रहें, यहाँ पे पैसा बिल्कुल ना लगाएं। और पहली बात अपनी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बिल्कुल ना दें दोस्तों, क्योंकि क्या होता है बैंक डिटेल अगर आप दे रहे हैं या फिर अपनी आधार कार्ड जैसे डिटेल दे रहे हैं तो वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बैंक डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़ अवेयर रहें, और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना यहाँ पे हमें बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।